एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं हूं शिल्पा और आज मैं आपके लिए जो रेमेडी लाई हूं उसका जो डिटेल मैंने आपको बताया था वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। कौन सी? मतलब आपने नहीं देखा, राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर आई बटन में जाकर आप उसकी जो फर्स्ट वीडियो है उसको मैंने विक्स वेपर को हम लोग स्किन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके क्या हैं वो मैंने उसके अंदर बताए थे। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि विक्स वेपर को हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए। सो कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट आई थी कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि विक्स वेपर को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, डिटेल वीडियो आप उसका बनाइएगा। मैंने उन लोगों से रिक्वेस्ट की है, प्लीज़ भाई लोग, बहन लोग, जिन भी लोगों ने मुझे कहा है प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि सब लोग ऑब्वियसली यही सोचेंगे कि मैं मन से बना के बोल रही हूँ। बट आप सब लोग प्लीज़ कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर कहें कि हाँ आप लोगों ने पूछा था, या फिर हाँ आप लोग इसके बारे में डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताते हैं विक्स वेपर को हम लोग कैसे अपने ओपन पोर्स को क्लोज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जेन्युइनली मैं आपसे ये चीज़ बता रही हूँ कि मेरे खुद के चेहरे पर पहले बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स थे, बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत ही ज़्यादा विजिबल थे। इवन मेकअप करने के बाद भी वो ओपन पोर्स दिखाई देते थे। ये मेरी खुद की प्रॉब्लम रही है। उसके बाद मैंने इस रेमेडी को यूज़ किया है और बहुत टाइम तक मैं इसको यूज़ करती रही हूँ, जिसकी वजह से आई थिंक आप देखेंगे मेरे फेस पर अब इतना ज़्यादा ओपन पोर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो गए हैं और कहीं 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 से तो बिल्कुल गायब होने लगे। मतलब फ्लॉलेस स्किन जो कही जाती है वो अब धीरे धीरे मेरी स्किन होने लगी है। सो आप इसको 100% यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, इसको लेना है विक्स वेपर को, और जहाँ पर भी आपको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, लाइक मुझे यहाँ पर ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी एरिया पर मुझे ओपन पोर्स हैं, तो यहाँ पर आपने विक्स वेपर अप्लाई कर देना है। इसके अंदर मिंट है फ्रेंड्स, तो आपके आँखों में हल्का हल्का लगेगा 100%। उसको हम लोग वो नहीं कर सकते क्योंकि विक्स वेपर है ही ठंडा, बहुत ज़्यादा मिंट इसके अंदर होता है। इस तरीके से आपने उसको अप्लाई करना है, देन अप्लाई करके इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर दीजिए जहाँ जहाँ पर भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है। मैं अपनी आईज़ को क्लोज ही कर लेती हूँ। और इस तरीके से आपने इसको अप्लाई करके छोड़ देना है। कम से कम 5 मिनट आपको वेट करना है। 5 मिनट के बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको और अच्छे से आपके स्किन में काम करवाने के लिए हमको क्या करना होगा। सो मिलते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। हो चुके हैं फ्रेंड्स, और ये जो एरिया है बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है विक्स वेपर के कारण। अब आपने क्या करना है, आपने लेना है एक बाउल और उसमें आपने लेना है बिल्कुल चिल्ड वाटर, एकदम ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी जिसको बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एकदम ठंडा पानी लिया है, और साथ ही आपने लेना है एक कुछ भी कॉटन का कपड़ा या फिर कॉटन पैड, जो भी आप लेना चाहें, उसको आपने पानी में डिप करना है, उसका सारा पानी निकाल देना है। देन उसको आपको क्या करना है, जहाँ पर भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर इस तरीके से आपको हल्के 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 हाथ से इस तरीके से उसको लगाना है। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, जितना ठंडा पानी होगा उतना ज़्यादा अच्छे से ये जो रेमेडी है वो काम करेगी और आपको रिजल्ट दिखेगा। एक ही बार में आपको रिजल्ट दिखेगा, बट वो श्रिंक होना स्टार्ट होंगे, तब श्रिंक हो नहीं जाएंगे कम्प्लीटली। इसलिए आपको इसको यूज़ करना होगा कंटिन्यूसली, ताकि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करेंगे उतना जल्दी आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इसको ठंडे पानी से हल्का हल्का सा प्रेस करते जाइए और इस तरीके से आप इसको अप्लाई करते जाइए। डेली 5 मिनट्स मोर देन सफिशेंट है इसके लिए, एंड आई थिंक आप अपने लिए दिन में 5 मिनट का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपने इसको करना है। लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। मैं थोड़ी देर और आपसे बात करती रहूँगी और आपको बताती रहूँगी, वीडियो को स्किप मत करिएगा। इसके अलावा भी जो मैंने चीज़ें बताई हैं विक्स वेपर को यूज़ करने की, उसमें से भी कोई भी रेमेडी जो आपको अच्छी लग रही हो, जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा हो, उसको आप वहाँ से ले सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे चिक्स ऑलमोस्ट रेड हो चुके हैं यहाँ से, क्योंकि विक्स जो है वो बिल्कुल ठंडा है, और उसके बाद मैंने उस पर जो बर्फ़ का पानी अप्लाई किया है उसकी वजह से ये एरिया थोड़ा रेड हो जाएगा। बट आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब आप इसको कम्प्लीटली टॉवल ड्राई कर लेंगे उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद फिर से जो कलर है वो फिर से नॉर्मल। तरीके से आपने इसको यूज़ कर लेना है। डेली 5 मिनट का टाइम मोर देन सफिशियंट होगा, बट एटलीस्ट 5 मिनट्स का टाइम आपको अपने लिए निकालना पड़ेगा। देखिए, मैंने अभी आपके सामने ही किया है और कितना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ओपन पोर्स जितने भी हैं वो सारे श्रिंक हो चुके हैं, एकदम से श्रिंक हो गए,
और बहुत छोटा साइज़ उनका हो चुका है। अगर आप डेली ये रेमेडी यूज़ करेंगे तो आपके जितने भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ओपन पोर्स से बिल्कुल आप छुटकारा पा सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल एज बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं कोई रेमेडी लेके आती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए कि हाँ शिल्पा इज़ बैक विथ अनदर रेमेडी। सो इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना बहुत ज़रूरी, एंड प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एज वेल, ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को यूज़ कर सकें। जल्दी मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों के लिए भी बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी 2 ईयर्स का बेबी है, उसके लिए मैं वो सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ और उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सो आई वॉज थिंकिंग कि वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो जितनी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि वो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए और आप उनको देख पाएँ और अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आप इस सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ कर पाएँ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।